आपको बता दें, आशा बहुओं के संगठन ने आज मोहान विधायक बृजेश रावत के काफिले को रोककर जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन न करने का आरोप मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। और उधर विधायक के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर सोमवार तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि नहीं हटाए गए तो मैं आपके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर शिकायत करूंगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा बहुओं की संगिनी ने औरास नर्सरी पुलिया स्थित एक जगह एकत्रित हुई। जैसे ही उन्हें पता चला कि विधायक का काफिला क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकला है, उसी दौरान सभी आशाओं ने जैसे ही काफिला निकला तुरंत विधायक की गाड़ी को रोककर जिलाधिकारी उन्नाव रविन्द्र कुमार के निर्देशों का मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा पालन नहीं किए जाने से नाराज आशाओं ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लेने की बात से अवगत कराया, जिस पर विधायक बृजेश रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैप्टन आशुतोष श्रीवास्तव को फोन पर सिद्धार्थ श्रीवास्तव स्वास्थ्य प्रभारी और आस को हटाए जाने की कार्रवाई करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आपके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर आपकी समस्या से अवगत कराकर आशा बहुओं को न्याय दिलाऊंगा। और आस उन्नाव से आशीष सिंह की रिपोर्ट। ट्रांसफर इनका होना था, हो गया ट्रांसफर इनका, यही तो हुआ सर, यही सर हुआ है। जी हम लोगों से बोले कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। सीमा साहब मिले हुए उनके रिश्तेदार हैं तो उन पर कोई कार्रवाई, उनको बचाने की कोशिश करो दूसरे को। और ये सम्मान आपके हाथ में, हम सब आपके साथ। अरे सम्मान आपके साथ है, मैं आपके साथ डीएम कुमार गया कि नहीं गया, मैंने जम के आपकी बात की कि नहीं की, डीएम ने सीमो को तत्काल बुलाया कि नहीं बुलाया है? अगर नहीं होता है तो मैं मंगल को उसका ट्रांसफर होगा, मैं आप आज बता रहे हूँ स्वास्थ्य मंत्री से आदेश कर रहा हूँ। आप परेशान ना होइए, मैं स्वास्थ्य मंत्री से आपका ट्रांसफर मंगल या बुध में करा दूँ। हेलो।